राजद नेता वीरेंद्र यादव का कोरोना से आकस्मिक निधन से शौकी लहर। मधुबनी जिला के जयनगर के बिला बांध चौक पर छात्र नेता वीरेंद्र यादव का कोरोना से आकस्मिक निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अरविंद तिवारी ने वीरेंद्र यादव का कोरोना से आकस्मिक निधन हो गया, वे राजद के वरिष्ठ नेता एवं जयनगर के पूर्व प्रमुख थे। वे छात्र के हित और समाज के लिए काफी कार्य किए हैं। वे समाज सेवा से जुड़े थे। वे कुछ दिन पूर्व ही कोरोना से पीड़ित थे। ठीक न होने पर पटना चले गए, जहां अचानक हृदयगति रुक जाने से उनकी सांसें थम गई। उनका समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। वीरेंद्र यादव जैसे सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता, खुश मिजाज, मिलनसार को खोने से निशब्द हूं, स्तब्ध हूं। वरिष्ठ समाज सेवी पप्पू चौरवार ने कहा कि नंदवंशी की चार लाइनें याद आती हैं। आंखें रोती रही रात भर मोमसी, एक तारा न जाने कहां खो गया। आंसुओं की कीमत जान गए हैं हम, जब तक थे साथ ना था कोई गम, उसके करवट बदलते ही एहसास हो गया एक अनमोल खजाना आज हाथों से छूट गया। उक्त युवा समाज सेवी की आत्माओं की शांति हेतु पंडित अरविंद तिवारी, पप्पू चौरवार, राजकुमार सिंह, प्रदीप प्रभाकर, विलक्षण यादव सहित कई लोग 2 मिनट का मौन धारण किया। छात्र नेता जिस समय में परमेश्वर यादव जी आरके कॉलेज के नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं के साथ ये बिरेंद्र चौरवार जी दोनों एक साथ छात्र की समस्याओं को लेकर बहुत दिनों तक आरके कॉलेज का राजनीतिक छात्र राजनीति किए। और ये हमारे बीच वीरेंद्र जी आज नहीं है, कल इनकी कोरोना के कारण पटना में ही देहांत हो गया। उनका सारा बाल बच्चा उनको लेकर के पटना गए और सारा बाल बच्चा वहीं क्वारंटाइन में है। काहे तो उनको कोरोना हो गया, उसके चलते बच्चा सबको भी हो गया और ये सब पटना में ही है। और इसी के शोक के रूप में आज काहे तो उसका स्थानीय घर खैरामाट है और बेलाबांध चौक उनका जन्मस्थली रहा है। बहुत ही सहनशील अच्छे शिक्षाविद लोग थे, समाज सेवी थे। उनकी शोक सभा के लिए हम लोग एक कार्यक्रम आयोजन किया। अपना परिचय बताइए। मैं यहाँ यानगर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख चंद्रकेतु नारायण यादव और पप्पू चौरवार जी एक्स प्रमुख यानगर ब्लॉक का मैं रहा हूँ और वीरेंद्र जी का पत्नी भी एक्स प्रमुख हमारी भाभी रही है। मैं अरविंद तिवारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। कल जब 11 बजे मालूम हुआ हम लोग के बीच आरके कॉलेज के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट छात्र नेता हम लोग के बीच नहीं रहे तो बड़ी मन में दुखी हो गया कि आखिर हम सभी लोग बारी बारी से जाना ही है, फिर समाज में द्वेष भावना कैसा। इसीलिए मैंने अपने आप को रोक नहीं सका और मैं अपने मित्र चंद्रकेतु नारायण यादव और पप्पू जी को मैंने आग्रह किया कि पप्पू जी आप भी एक्स प्रमुख हैं, वीरेंद्र जी की भी पत्नी भी एक प्रमुख थी, आप परिवार के लोग हैं, इस नाते मेरा आग्रह है कि आप कल 9 बजे दिन में बिराबान चौक पर वीरेंद्र जी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया जाए। और मेरा यह आग्रह को भाई प्रभु जी ने हाथों हाथ लिया और पूरे समाज के द्वारा सभी लोग मिलकर बड़े ही दिल की गहराई से भाई चौरवार जी के प्रति सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसमें आए हुए सभी बंधु को मेरे ओर से हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। इसी सब के साथ आप सभी प्रिंट मीडिया बंधुओं को देख रहे और सुन रहे सभी के प्रति मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में दोस्तों बताएंगे। हमारे समाजवादी छात्र नेता वीरेंद्र यादव जी के पक्ष में आयोजन किया गया था। इनके विचार, इसके कार्यशैली आज के राजनीतिक जिंदगी में इनके अलग था, इसलिए हम लोग सब मिलकर के ईश्वर से कामना किए हैं जो इसको आत्मा की शांति दे, इसके बाल बच्चा को भी ईश्वर शक्ति दे, परिवार को चला पाए, इसलिए हम कार्यक्रम। अपना परिचय बताइए। राजकुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, जनता।